हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के लोगों को 1 रुपया किलो मिलेगी चने की दाल। हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। 7 जिलों के पिछड़ा वर्ग के लोगों को EWS कोटे में मिला आरक्षण। नियुक्ति के लिए आवेदन भर सकेंगे। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लोगों को अब 1 रुपया किलो की दर से दाल मिलेगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1 रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आए थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप में झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। चना दाल वितरण की संशोधित योजना को मंजूरी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दाल प्रति माह 1 रुपया किलो की दर से दिया जाएगा। इस संबंध में चना दाल वितरण की संशोधित योजना को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि रांची में महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होगा। यह आयोजन 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक होगा। इस कार्य के लिए ₹13 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 10 करोड़ मेजबानी में खर्च होंगे। राज्य के 7 जिलों लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लतेहार व खुंटी में जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अभी शून्य है। इन वर्गों के लोग EWS के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इन जिलों में ST का आरक्षण सर्वाधिक है, इस वजह से यह निर्णय लिया गया है और अब EWS के 10% आरक्षण में शामिल होगा। सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों से पढ़ने वाले 5 छात्र-छात्राओं को 1 वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर ₹1 लाख का जुर्माना भरना होगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायत भवनों में डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा होता है, इसके अतिरिक्त कम गंभीर बीमारी योजना के तहत 20 लाख का भी सहायता मिल सकेगा, यानी 25 लाख रुपए तक की बीमारी के लिए स्वीकृति दी गई है। हर एक सोसाइटी के साथ इसका MOU हो चुका है, इसकी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ कैंसर रोग से ग्रसित मरीजों को मिलेगा। MOU 1 वर्ष के लिए लागू होगा। सरकारी सेवकों को लेवल 15, 16, 17 वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मियों को एग्जीक्यूटिव क्लास में हवाई वाहन यात्रा भत्ता मिलेगा। बच्चों के आफ्टर केयर के लिए ₹25,000 दिए जाएंगे। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत बच्चों को UPSC, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि की परीक्षा की तैयारी के लिए नियुक्त परीक्षा देने के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग की योजना में भी उसी तरह के एक और नियम की स्वीकृति दी गई है। वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है। बिहार राज्य परिवहन निगम कर्मियों को 1/7/2004 से राज्य के विभिन्न विभागों में वैचारिक रूप से समायोजन करने और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। इनमें करीब 67 कर्मचारी हैं। राज्य के कर्मचारी को अनिवार्य रूप से इलिटरेसी कार्यक्रम के तहत NIT रांची से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा परियोजना से लाभुक राज्य के सभी परिवार को ₹1 किलो चना दाल दिया जाएगा। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्ताव को भी पारित किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।